हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये जानने के लिए कोशिश करेंगे कि भगवत गीता हम क्यों पढ़ें, भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए और श्रीमद् भगवत गीता क्यों प्रामाणिक है। वैदिक शास्त्र हमें कहते हैं कि भगवत गीता वेदों का सार है। शंकराचार्य अपने गीता महात्म्य में कहते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामतम महत्। इसका अर्थ ये है कि सभी उपनिषदों को एक गाय से तुलना किया गया है। उपनिषद क्या है? वेदों में जो ज्ञान कांड है उसको उपनिषद कहते हैं, मतलब वेदों में जो ज्ञान है वो उपनिषदों में से निक्षिप्त। तो ये सभी उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता है। तो इसीलिए भगवत गीता सभी शास्त्रों से प्रमाणिक माना गया है और उसका ये विशेषता है कि ये ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। भगवत गीता क्यों प्रामाणिक है? इसलिए है क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया है। जो ज्ञान भगवान से आता है उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण उस ज्ञान को सूचित करता है जो साक्षात भगवान मानवता के लिए बताए हैं। और ज्ञान प्राप्त करने के कई तरीका, उन सभी में से एक शब्द प्रमाण श्रेष्ठ है, क्योंकि ये ज्ञान स्वयं उस ईश्वर से आ रहा है जिसने इस पृथ्वी को और इस पूरा ब्रह्मांड को बनाया है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी मशीन को खरीदते हैं तो उस मशीन को उपयोग करने के लिए या उसके बारे में समझने के लिए आप उसी कंपनी के द्वारा दिया हुआ मैनुअल पढ़ते हैं। या अगर आपके पास, मान लीजिए एप्पल कंपनी का आपके पास लैपटॉप है, तो उस लैपटॉप को अगर रिपेयर करवाना है तो उसको ले जाएंगे आप एप्पल कंपनी के पास ही। क्यों? क्योंकि जो उस वस्तु को बनाया वही उस वस्तु के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। इसीलिए हम इस जगत के बारे में अगर जानना चाहते हैं, इस विश्व ब्रह्मांड के बारे में अगर हमें जानना है, हमें अपने आप के बारे में जानना है, भगवान के बारे में जानना है और परम सत्य क्या है इसके बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करना है, तो ये ज्ञान हमें सिर्फ भगवान से मिल सकता है। और जो ज्ञान भगवान से मिलता है वो परिपूर्ण होता है और उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। तो इसलिए हमें भगवद गीता को प्रामाणिक स्वीकार करना होगा और भगवद गीता से जो ज्ञान आता है उसमें कोई दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई भूल नहीं है। 5000 वर्ष पूर्व ये भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, पर इन 5000 सालों में भगवद गीता में कोई गलती या कोई त्रुटि किसी ने आज तक नहीं निकाला और भगवद गीता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ 5000 साल वर्ष बीतने के बावजूद। तो ये है भगवद गीता का प्रामाणिकता। और भगवद गीता ही क्यों, और भी कई सारे शास्त्र हैं पर भगवद गीता ही क्यों पढ़ें? भगवद गीता इसीलिए पढ़ना चाहिए, भगवद गीता का विशेषता यही है कि श्रीमद् भगवद गीता जो है, महाभारत के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता में सारे ज्ञान हैं, सारा वो ज्ञान है जो अन्य शास्त्रों में निक्षिप्त है। और भगवद गीता में कुछ विशेष ज्ञान ऐसा भी पाया जाता है जो अन्य कोई शास्त्रों में उपलब्ध नहीं है। तो भगवद गीता सभी शास्त्रों का सार है और सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ है, तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता हमें पढ़ना चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। धृतराष्ट्र उवाच
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। यहाँ पर धृतराष्ट्र संजय जी से पूछते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे यानी धर्म क्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र नाम का जो स्थान है, या उसका अर्थ ऐसे भी लिया जा सकता है कि कुरुक्षेत्र में जो कि एक धर्म क्षेत्र है, उस कुरुक्षेत्र में समवेता युयुत्सवः, समवेता का मतलब वहाँ पर उपस्थित, वहाँ पर जो आए हुए हैं, युयुत्सवः, युयुत्सवः का मतलब है युद्ध करने के लिए उत्सुक। मामका पांडवाश्चैव, इसका मतलब है मेरे पुत्र, धृतराष्ट्र कह रहे हैं मेरे पुत्र जो है कौरव और पांडु, मेरे जो भाई है पांडु, उनका पुत्र, उनके पुत्र पांडव, इन्होंने क्या किया, किम अकुर्वत संजया। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र संजय जी से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र में उपस्थित मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र वहाँ पर युद्ध करने के लिए उत्सुक हैं और वहाँ पर उपस्थित होकर क्या किए। तो ये श्लोक में यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म क्षेत्र शब्द से भगवद गीता का पहला श्लोक का शुरुआत होता है। तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, एक क्षेत्र शब्द को दो बार इस्तेमाल किया गया। क्षेत्र का मतलब होता है खेती, जो खेती शब्द जो है हिंदी में उसका स्रोत है संस्कृत में जो शब्द है क्षेत्र। क्षेत्र शब्द से खेती शब्द का उत्पत्ति हुई। तो खेती में क्या होता है, खेती में जो किसान खेती करते हैं, जो मूलभूत जो फसल है उसी को रखते हैं और बाकी जितने खरपतवार हैं उन सबको उखाड़ के फेंक दो। तो जैसे एक क्षेत्र में, जैसा उदाहरण के लिए अगर आप चावल का खेती है, धान का खेती है, तो धान के खेती में सिर्फ धान को रखा जाता है और अन्य जितने खरपतवार हैं उन सबको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। उसी प्रकार से यह है धर्म क्षेत्र यानी धर्म की खेती। तो जहाँ धर्म की खेती होती है वहाँ पर धर्म के अलावा जो कुछ है, जितना अधर्म है, जितना अन्याय है, उन सबको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। और इस धर्म का क्षेत्र में, इस धर्म की खेती में किसान कौन है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। तो जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं किसान हैं तो वहाँ कौरव जो अधर्म के प्रतीक हैं उनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये पहले से हमें इससे समझ में आ रहा है। तो श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए हमें एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर व्याख्यान दिए हैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर व्याख्या दिया है और इस ग्रंथ का नाम है भगवद गीता यथारूप, जो कोई भी इस्कॉन के मंदिर में आप प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता को अगर सही तरीके से समझना है तो हमें एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना जरूरी है, अनिवार्य है। और आजकल बाजार में कई सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं जो भगवद गीता के ऊपर व्याख्यान देते हैं। कहीं आजकल ऐसे व्याख्याता हैं जो भगवद गीता के ऊपर व्याख्यान देकर अपना खुद के जो मनगणंत सिद्धांतों को प्रचार करते हैं। प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि जितने सारे बाजार में भगवद गीता के प्रतियां या भगवद गीता के व्याख्याएं
उपलब्ध है उनमें से अधिकतर जो व्याख्याएं हैं प्रामाणिक नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो व्याख्याता है वो भगवद गीता का जो असली उद्देश्य, जिस उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाया, वो उद्देश्य को पूरी नहीं करता, बल्कि गीता के नाम से वो अपना खुद का व्याख्या, अपना खुद के मनगढ़ंत सिद्धांतों को प्रचार करता। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को अगर समझना है हमें एक प्रामाणिक गुरु से सुनकर ही समझना है। तो अब प्रश्न ये आता है कि प्रामाणिक गुरु कौन है, किसको हम प्रामाणिक माने। प्रामाणिक गुरु वो होते हैं जो एक गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। वैदिक सिद्धांत हमें कहता है कि वैदिक सभ्यता में संप्रदाय होते हैं। संप्रदाय का अर्थ होता है एक गुरु और शिष्यों का एक एक परंपरा। एक गुरु अपने शिष्यों को बताते हैं और वो शिष्य अपने शिष्य को बताते हैं और वो अपने शिष्य को बताते हैं। इस प्रकार से एक एक चेन बना हुआ है और ये गुरु शिष्य परंपरा का स्रोत होते हैं स्वयं भगवान। तो इस प्रकार के जो प्रामाणिक संप्रदाय के अंतर्गत जो गुरु होते हैं वो ही हमें भगवद गीता का सही अर्थ हमें बता सकते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसा एक टीकाकार है जो प्रामाणिक नहीं है। ऐसा एक टीकाकार अपने व्याख्यान में कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर आप मेरी शरण में आओ, जब ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान कृष्ण को शरण लें। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर कोई और बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के अंदर से जो निराकार ब्रह्म ज्योति जो बोल रहा है उसको शरण लेना चाहिए, ये उनका व्याख्या था। पर श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये व्याख्या पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अंदर और बाहर में कोई अंतर नहीं होता। जैसे हमें हम जो बद्ध जीव हैं, हमारे अंदर शरीर और आत्मा, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। हम शरीर से भिन्न हैं, हम एक जीवात्मा हैं। पर भगवान श्री कृष्ण में शरीर आत्मा में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि भगवान कृष्ण श्री कृष्ण के जो रूप है वो सच्चिदानंद है, वो भौतिक नहीं है। जैसे हमारा शरीर भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का शरीर उस प्रकार से भौतिक तत्वों से नहीं बना है, पर उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह, भगवान श्री कृष्ण का रूप जो है वो सच्चिदानंद है। तो इसीलिए भगवान जब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन मुझे शरण लो, तो उसका वास्तविक अर्थ यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का ही शरण लेना चाहिए। तो इसीलिए हमें श्रील प्रभुपाद जी का व्याख्यान पढ़ने से श्रीमद् भगवद गीता का सही वास्तविक अर्थ हमें समझ में आता है। तो आज का श्लोक में धृतराष्ट्र संजय जी से कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र में क्या हुआ। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि भगवद गीता ऐसी ग्रंथ है जो सबसे पहले ही धर्म से शुरू होता है, और धर्म का स्थापना जो है वो भगवान का मकसद है। जैसे भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म का स्थापन करने हेतु मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। तो भगवद गीता जैसी महान ग्रंथ धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति का नाम से क्यों उसका शुरुआत हुआ? भगवद गीता का शुरुआत होता है इस शब्द से, धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र तो
एक पापी व्यक्ति था, एक अंधा व्यक्ति था जो कि केवल शारीरिक रूप से ही अंधा नहीं था पर आध्यात्मिक रूप से भी अंधा था। तो ऐसे व्यक्ति के नाम से भला भगवद गीता का शुरुआत क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यद्यपि धृतराष्ट्र में कहीं अवगुण थे, वो अपने पुत्रों से बहुत अत्यधिक आसक्त था और पांडवों के प्रति उन्होंने बहुत अन्याय किया, उनके अंदर बहुत अवगुण थे, फिर भी एक अच्छा गुण था। वो गुण क्या है? उनके अंदर कुछ अच्छा सुझाव, कुछ अच्छा उपदेश सुनने के लिए उनके अंदर उत्सुकता थी। वो विदुर और भीष्म से अच्छे सलाह सुनते थे, तो इसीलिए धृतराष्ट्र का अच्छा गुण ये था कि धर्म के उपदेश सुनने में उनको बहुत आसक्ति था, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का शुरुआत उनके नाम से। और भगवद गीता का महानता यह है कि भगवद गीता ऐसे ग्रंथ है जिसके अंदर दुनिया के सभी और ग्रंथों का जो उपदेश है, जो ज्ञान है, जो तत्व है, वो सब भगवद गीता के अंदर हमें पाया जाता है। भगवद गीता के अंदर दुनिया के सभी शास्त्रों का सार, दुनिया के सभी ग्रंथों का, धर्म ग्रंथों का उपदेश का सार निचोड़ भगवद गीता के अंदर उपस्थित है। पर श्रीमद् भगवद गीता का विशेषता ये है कि उसके अंदर ऐसे भी उपदेश हमें प्राप्त होते हैं जो अन्य कोई ग्रंथ में हमें नहीं। भगवद्गीता के अंदर ऐसे उपदेश, ऐसे ज्ञान के विषय हमें प्राप्त होते हैं जो अन्य किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धर्म में बताए नहीं जाते। तो इसीलिए श्रीमद् भगवद्गीता सभी शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इसीलिए महान आचार्यों ने, सभी ने श्रीमद् भगवद्गीता के ऊपर उन्होंने अपना टीका प्रदान किया। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जैसे कि एक खेती में किसान फसल को बचाते हैं और अन्य जितने खरपतवार हैं उन सबको उखाड़ के फेंक देते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पांडव रूपी फसल को बचाते हैं और दुर्योधन इत्यादि जो अधर्म के प्रतीक हैं, खरपतवार के प्रतीक हैं, उनको उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो इसीलिए हमें करना क्या है, हमें हमेशा भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग पर हमें चलना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। और वो धर्म का मार्ग क्या है, वो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से हमें समझ में आता है कि धर्म का मार्ग क्या है और अधर्म क्या है और धर्म के मार्ग पर हमें कैसे चलना चाहिए। और इसको समझने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को ग्रहण करें और भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने। अन्यत्र श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, ये ज्ञान मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे भक्त हो और सखा हो। भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसीलिए ये गीता का ज्ञान मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार से अगर हमें भगवद गीता को समझना है, अगर हमें भगवद गीता को अपने जीवन में उतारना है, उसका वास्तविक अर्थ को समझना है, तो हमें भी अर्जुन की तरह भगवान श्री कृष्ण का भक्त और सखा, मतलब उनका सेवक बनना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुए बिना कोई भी भगवद गीता को वास्तविक रूप से समझ नहीं सकता। और इसीलिए जितने
व्याख्याता आजकल के ज़माने में जितने भगवद गीता के ऊपर व्याख्याता हैं वो लोग भगवद गीता का असली अर्थ इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं होते। इसलिए हमें भगवान कृष्ण के भक्ति के मार्ग में हमें चलते हुए भगवान श्री कृष्ण का उपदेश श्रीमद् भगवद गीता को प्रामाणिक गुरु के माध्यम से हमें सुनकर समझना जरूरी है। हरे कृष्ण।